हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आई वांट टू कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चिकन मसाला या चिकन करी की रेसिपी। इस चिकन मसाला को बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे घर में जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें ये चिकन बहुत पसंद आता है, और ये रेसिपी बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो चिकन के लिए सबसे पहले हम सारे मसालों को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बोल में ले रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर, इसमें जीरा 1 छोटी चम्मच है और काली मिर्च 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच मीट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, ये 12 कली लहसुन है। और अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पानी डालने से मसाले जलेंगे नहीं। आप इस रेसिपी में मीट मसाला ज़रूर डाल लें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो अब हम चलेंगे चिकन पकाने के प्रोसेस पे। सो यहाँ पे मैं कढ़ाई में 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल अब गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। इन सभी को आप तेल में 10 सेकंड के लिए पका लें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 मीडियम साइज़ प्याज, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा गुलाबी ना हो जाए। प्याज यहाँ पर गुलाबी हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। ये 1 किलो के लगभग में चिकन है, ग्राम में कहें तो ये 950 ग्राम है। चिकन को आप इसमें अच्छी तरह से मिला दें। एक बात का आप ध्यान रखें कि इस चिकन में प्याज की क्वांटिटी तो ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भी प्याज इसमें यूज़ करेंगे तो उसमें इससे मीठापन आ जाएगा, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा चीनी होती है। अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। आप फाइनल नमक इसमें डाल दें जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और मसाला जो हमने बना के रखा था। हम चिकन में इसी स्टेज पर सारी इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर देंगे, और अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक ये चिकन थोड़ा सा अपना पानी ना छोड़ दे। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। 5 मिनट हो चुके, और अब मैं चिकन को चेक करूंगी। आप देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। सो अभी आपको इस स्टेज पे चिकन को 5 मिनट के लिए खुले में ही पकाना है। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। चिकन को खुले में पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। सो अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। अब ये इसे पकाने का प्रोसेस ढककर ही होगा, तो आप इसे ढककर बीच बीच में 5-5 मिनट पे चेक कर लें। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे अब मैं चिकन को चेक कर लूँगी। आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो चिकन नीचे लग सकता है। तो यहाँ पर इसे चला दिया मैंने, और फिर से मैं इसे ढक दूँगी, और फिर से मैं इसे 5 मिनट बाद दोबारा चेक करूँगी। सो चिकन अब यहाँ पर रेडी लग रहा है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अगर आपको इसे रोटी के साथ खाना है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बस आप ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लें। और आप ये देखिए, चिकन भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। मैं यहाँ पे आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। सो मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। अगर आपको इसे रोटी के साथ खाना है तो मैंने जैसे पहले बताया, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसे आप अच्छी तरह से मिला दें, और अब हम इसे ढककर फाइनली बस अब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके, और हमारा चिकन अब बिल्कुल रेडी है। फाइनली मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसे आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दें, और फ्लेम को कर दें ऑफ। सो चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है, और अब मैं इसे करूंगी सर्व। सो चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसे आप जब बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।